हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं इमरान सैफी और किसान भाइयों के लिए आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। जो टॉपिक किसान भाई खेती करते हैं उनके लिए सोयल टेस्टिंग का क्या महत्व होता है, और सोयल टेस्टिंग जो हमारी भूमि होती है वो हमारी जो क्रॉप्स हम जो बोते हैं उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, सोयल टेस्टिंग क्यों करते हैं, सोयल हम क्यों करते टेस्ट करते हैं। इसलिए हम सोयल टेस्ट दोस्तों करते हैं क्योंकि जो हमारी भूमि है, जो हमारी मिट्टी है जिसके अंदर हम क्रॉप्स बोते हैं, जिसके अंदर हम फसल का उत्पादन करते हैं, उसकी अच्छी ग्रो और अच्छी पैदावार करने के लिए हमारे मिट्टी के अंदर, हमारी सोयल के अंदर कुछ ऐसे सोयल तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण हमारा जो प्लांट है, जो अंकुरण होता है, जो हमारा जो प्लांट है जो अंकुरण होता है उसकी बढ़वार, उसकी उत्पादन, उसकी अच्छी पैदावार के लिए किसान भाई अपनी मिट्टी का सोयल परीक्षण कैसे करते हैं। मैं आप जुड़ रहे हैं इमरान सैफी के साथ जो आपको सोयल टेस्टिंग के बारे में बताने जा रहा है। सोयल टेस्टिंग कैसे करते हैं आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, और इस टॉपिक को बहुत ही निर्णयधारक अच्छी तरह से दिखाएंगे कि सोयल टेस्टिंग कैसे की जाती है और कैसे मिट्टी का परीक्षण और मृदा के अंदर परीक्षण के अंदर में कैसे इसको मिट्टी को लेकर किसान भाई लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो खेत है, आप जो मैं शो कर रहा हूँ, ये हमारा खेत है जो जुता हुआ है। यह हमारा 10 बीघे भी हो सकता है, 100 बीघे भी हो सकता है, कितने भी एकड़ ये हमारा खेत हो सकता है, लेकिन अब हमें इसका मिट्टी जो है, अब हमें मिट्टी जो सोयल है इसका परीक्षण कैसे करना है, हमारे मिट्टी के अंदर कितने तत्व पाए जाते हैं, कितने तत्वों का परीक्षण करना है, तो उसके लिए हमें इसके 5 भाग में से, मतलब मिट्टी जो हमारी सोयल है उसके 5 भाग में से हमें 5 जगहों पर से हमें मिट्टी लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट मिट्टी जो हम उठाते हैं एक कोने से लेकर उठाते हैं, उसके लिए हमें जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होना चाहिए, जो हमारे पास एक पॉलीथीन होनी चाहिए जिसमें हम इस मिट्टी को लेकर एक साइड में रखेंगे, एक साइड में रखेंगे। उसके लिए हमारे पास खोदने के लिए हमारे पास एक खुरपा भी होना चाहिए, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी, अब हम इस कोने, ये आप देख रहे हो, ये हमारा फर्स्ट कोना है, ये हमारा जो है ये फर्स्ट कोना है, और यहाँ से हम इसकी कुछ गहराई, इसकी कुछ गहराई यहाँ से हम खोदेंगे, इसकी हम कुछ खोदाई यहाँ से हम इसकी जो मिट्टी है आप जो देख रहे हो, आप जो देख रहे हो इसकी हम इस नीचे से सोयल इसका कुछ, क्योंकि दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो पदार्थ, जो कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो हमारे भूमि के लिए और हमारी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो हमारी भूमि के अंदर, हमारे यील्ड मतलब खेत के अंदर 1 फुट तक ही वो जीव पाए जाते हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आपका अदरवाइज बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी भूमि के अंदर पाए जाते हैं, तो वो तत्व एक ही फुट तक हमारे पाए जाते हैं। तो हम देख रहे हो हम इसके अंदर से जो है यहाँ से हम मिट्टी लेंगे, पहला इसको हम सही तरीके से खोद लेते हैं और इसका एक परीक्षण जो है यहाँ से हम अच्छी मिट्टी लेते हैं, यहाँ से हम कुछ मिट्टी हमारे पास, ये आप देख रहे हो ये पॉलीथीन है, हम इसके अंदर इस मिट्टी को डाल लेते हैं इसके अंदर कुछ, ये मिट्टी है, कर दिया।
दोस्तों अब जो है हम दूसरे कोने से मट्टी उठाने जा रहे हैं। वो पहला कोना है भूमि के अंदर, जो हमारी जो खेती है, जो भूमि है, उसका पहला कोने से हमने मट्टी उठाई है। अब हम सेकंड मट्टी जो उठाते हैं वो हम अब यहाँ से उठाते हैं। कुछ खोदने के बाद यहाँ से हमें कुछ प्राप्त मट्टी होगी, अच्छी तरह मट्टी होगी जो यहाँ पाई जाती है। यहाँ जो हमें पाई जाती है इसके अंदर मट्टी जो हम उठाएंगे खोदने के बाद जो हमें प्राप्त होती है, जो प्राप्त होती है, यहाँ से हमने मट्टी उठा ली है। और दोस्तों अब हम चलते हैं खेत के तीसरे कोने पर। अब हम आ चुके हैं तीसरे कोने पर जहाँ से हमें मट्टी अब उठानी है। यहाँ से हमें उठानी है मट्टी। अब ये तीसरा कोना आ चुका है, तीसरा। अब यहाँ से हम यहाँ से कुछ मट्टी उठाएंगे, यहाँ से भी हम कुछ मट्टी उठाएंगे। यहाँ से कुछ कैड़ी मट्टी है, यहाँ से बहुत अच्छी मट्टी है ये। अब हम तीसरे कोने और अब हम यहाँ से तीसरे कोने पर से मट्टी उठा चुके हैं। अब हम चलते हैं चौथे कोने की तरफ। अब आ चुके हैं हम चौथे कोने की तरफ, जो ये मट्टी है। अब यहाँ से कुछ मट्टी उठाएंगे और अब हम यहाँ से कुछ मट्टी उठाएंगे। यहाँ से कुछ मट्टी हमने उठा ली है और यहाँ से भी हम मट्टी ले ली है कुछ हमने। और उसके बाद चलते हैं हम पांचवी जगह, जो हमें बीज भूमि के अंदर से हमें मट्टी उठा के लानी है। क्योंकि चारों तरफ पांचों कोनों पर से मट्टी उठाना कि कहीं के कहीं के तत्व कहाँ होते हैं और सारे तत्वों को हम एक साथ देखना चाहते हैं, तो इसलिए हम पांचवा प्रैक्टिकल जो हम करना जा रहे हैं, जो हमें भूमि सोयल जो हमें इकट्ठी करनी है, वो पांचवी हम बीज भूमि में से हम। दोस्तों हमने पांचों जगहों से हमने मट्टी उठा चुके हैं और हमारे पास आप देख रहे हो कि आपके अब हमारे पास ये मट्टी इकट्ठी हो चुकी है। अब हम इसको सही तरीके से इसका मिश्रण करेंगे। मिश्रण करके इसके लिए कैसे इसको तैयार करते हैं, अब हम सोयल टेस्टिंग के लिए इसको लैब के लिए कैसे तैयार करते हैं, अब मैं आपको वो परीक्षण बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अब हम मट्टी हमने ले ली है और हम इसका अब इसका मिश्रण करने जा रहे हैं। क्योंकि जो हम मृदा परीक्षण केंद्र में हम इसको भेजेंगे, तो हम पहले इसका हम परीक्षण इसका जो है हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो हमें एक सपाट भूमि चाहिए जिसपे हमें इस मट्टी को डालना है और मट्टी को डालकर और हमें इसे सही तरीके से मिलाना है। इस तरह से हमें मिलाना है क्योंकि इसके जो जितने भी तत्व है, जो भी सोयल के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, वो इसका सही तरीके से मिल जाते हैं। उसके बाद हम इसको मोटे मोटे करके इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद बढ़िया तरीके से इसका जो है ये इस तरह से बहुत अच्छी तरह से मिल चुका है। और ये मिलने के बाद अब हम इसको इस मट्टी के चार भाग बना लेते हैं। इसके हम चार भाग बना लेते हैं। चार भाग में से दोस्तों चार भाग में से हम इसके दो भाग आमने सामने वाले जो दो भाग होते हैं हम उसको हटा देते हैं। और हटाने के बाद हमें एक भाग रखना होता है जिसको हमें मिला के बढ़िया तरीके से जो मट्टी होती है उसको हम बढ़िया तरीके से, हमारे पास पॉलिथीन है जो हमारे जांच के अंदर हमें इसे भेजना है। तो उसके लिए हमें ये इस तरह से मट्टी हमें ये डालनी है। और दोस्तों और किसान भाइयों, ये मट्टी हमने सोयल के लिए हमें टेस्टिंग के लिए हमें भेजनी है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मेट तैयार होना चाहिए। जो फॉर्मेट होता है किसान की अवधि के लिए हमने जैसे फॉर्मेट है, एक एप्लीकेशन तैयार करनी होती है जिसमें मिट्टी परीक्षण केंद्र का नाम होना चाहिए और किसान का नाम, भूमि का आकार और सिंचाई का आकार, फसल का आकार, मिट्टी का नाम और किसान का नाम। तो दोस्तों ये मृदा परीक्षण के अंदर जो भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर मृदा परीक्षण के अंदर होता है, आप देख रहे हो। इस तरह से एक एप्लीकेशन बनानी है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करके एक सिग्नेचर यहाँ करना है, या किसान का नाम है इस पे लिखा हुआ, इसमें भूमि का आकार है, सिंचाई का आकार है, फसल का आकार है और मिट्टी का नाम है, किसान का पता है और मृदा परीक्षण के अंदर का नाम है। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो भी परीक्षण के अंदर, जो भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसके अंदर जो परीक्षण के अंदर मृदा परीक्षण के अंदर होता है, वहाँ आप इस मट्टी को टेस्ट करवाने भेज सकते हो।
तो इस पे आपको नाम लिखना, पता लिखना है, सारी चीज़ें लिख के और इस तरह से इसको इस पोलाथीन के अंदर ले जाए, इस पोलाथीन के अंदर इसको इस मट्टी के साथ आपको डालना है, और डालने के बाद आपको इसे सही तरीके से चिपकाने के बाद आपको इसको ले जाकर मृदा परीक्षण केंद्र के अंदर आप जो साइंटिस्ट जो वहाँ पर होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, मिट्टी का परीक्षण करते हैं, मिट्टी के अंदर तत्वों की जांच करते हैं कि आपकी मिट्टी के अंदर आपकी फसल जो आप जो फसल बो रहे हैं उसके अंदर पैदावार अगर अच्छी नहीं हो पा रही है, आपकी फसल क्रॉप्स अगर अच्छी नहीं हो पा रही है, तो आपको वो सही तरीके से आपको मिट्टी की आपकी टेस्ट करके मृदा परीक्षण के अंदर में जाकर आपका मिट्टी का टेस्ट करके अच्छी तरीके से आपको ये आपकी जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपकी जो मिट्टी है, आपकी जो सोयल है, आपकी जो भूमि है, उसके अंदर कौन कौन से तत्व की कमी है जिसके कारण आपकी क्रॉप्स अच्छी नहीं हो पा रही है और अच्छी तरह से उसकी ग्रो है वो भी नहीं बढ़ पा रही है। तो दोस्तों और किसान भाइयों, जो भी किसान भाई किसान खेती कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर या 1 ईयर्स के अंदर अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर मृदा परीक्षण केंद्र के द्वारा परीक्षण जरूर करवा लें। मैं इमरान सैफी, आपका भाई किसान का साथी, जो मैं आपके लिए हर 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 हफ्ते हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नए टॉपिक के साथ आता रहता हूँ। अगर ये हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। मैं इमरान सैफी, हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।